We are finally Realme 7 डिवाइस में Realme UI 2.0 सेकंड बैच बीटा फॉर्म ओपन हो चुका है। बट यार यहाँ पे चुतियापे वाली बात यह है कि Realme ने Realme UI 2.0 सेकंड बैच बीटा अपडेट को प्रोवाइड करने में 2 महीने का समय लगा दिया और हमें प्रोवाइड किया क्या ओनली बीटा बिट, ओपन बीटा भी नहीं। ओपन बीटा एंड बीटा में क्या फर्क होता है मैं आगे आपको बता दूंगा। एनीवे हम बात करते हैं थोड़ा अपने टॉपिक की ओर, क्योंकि जो भी हमें मिला वही में हम खुश रहेंगे। एंड यहाँ पे जो यूजर अपने डिवाइस में Realme UI 2.0 बीटा फॉर्म के लिए अप्लाई किए हैं उनके डिवाइस में फिलहाल अंडर रिव्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एंड भैया बात आ जाती है ये अपडेट हमारे डिवाइस में कब तक प्रोवाइड किया जाएगा Realme तरफ से, तो भैया देखो आपके डिवाइस में इससे पहले एक अप्रूव्ड या फिर पास्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट उसके पहले उसी के साथ ही साथ कुछ यूजर के डिवाइस में रिजेक्टेड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके फॉर्म को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है एंड रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर आपके डिवाइस में रिजेक्टेड फो हुआ तो आपके डिवाइस में 2.0 का बीटा सपोर्ट नहीं मिलेगा एंड आपके डिवाइस में प्रोड या फिर पाफ्ड का ऑप्शन देखने को मिल गया तो आपके डिवाइस में ये कंफर्म है कि Realme UI 2.0 का बीटा सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड मैं आगे आपको सब कुछ डिटेल करता हूँ कब कैसे क्या होगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डिवाइस में भी आज रात में ये प्रो या फिर पाफ्ड हो जाएगा एंड मैक्सिमम कल दोपहर तक ये अपडेट आपके डिवाइस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा Realme तरफ से। वैसे तो कलरोश का फंडा ये होता है कि अगर आपके डिवाइस में प्रोड या फिर पाफ्ड हो गया तो विद इन 3 डेज के पहले पहले आपके डिवाइस में 2.0 या फिर आपने जिस भी बीटा अपडेट के लिए अप्लाई किया वो अपडेट आपके डिवाइस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा कलरोश के तरफ से। बट यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता, वो तो मैक्सिमम टाइम है प्रो होने के बाद। आपके डिवाइस में प्रो होने के बाद ये अपडेट आपके डिवाइस में जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा Realme तरफ से। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे मैं आपको कल दोपहर का टाइम दे रहा हूँ। एंड उसी के साथ ही साथ अगर बात की जाए ओपन बीटा एंड बीटा अपडेट के बारे में, तो भैया ये एक नॉर्मल बीटा अपडेट है जो कि आपको फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट में देखने को मिला था। बट उस अपडेट से आपको कुछ कम बग देखने को मिलेंगे, क्योंकि Realme 7 डिवाइस में जिनका फोन ऑलरेडी अपडेटेड था Realme UI 2.0 में एंड उनके डिवाइस में 3.01 का वर्जन देखने को मिला था, फिर उनके डिवाइस में 3.03 का एक नॉर्मली सा बग फिफ अपडेट प्रोवाइड किया गया Realme तरफ से, मे बी इस अपडेट में हमें 3.03 का ही वर्जन देखने को मिलेगा एंड इस अपडेट में हमें थोड़े कम बग देखने को मिलेंगे फर्स्ट बैच बीटा अपडेट से। अब वहीं पे बात करते हैं ओपन बीटा एंड नॉर्मल बीटा अपडेट में क्या फर्क होता है। तो भैया देखो बीटा अपडेट में हमें थोड़े ज्यादा बग देखने को मिलते हैं एंड ओपन बीटा में हमें थोड़े कम बग देखने को मिलते हैं। ओपन बीटा भैया यहाँ पे लगभग 2 से 3 बार बीटा अपडेट को प्रोवाइड हो जाता है, फिर ओपन बीटा अपडेट को प्रोवाइड किया जाता है Realme तरफ से। तो यहाँ पे भैया जब फर्स्ट बैच बीटा अपडेट प्रोवाइड हुआ तभी फिर Realme चैट सपोर्ट पे इन्फॉर्मेशन मिलने लगी कि हम अगली बार आपको ओपन बीटा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे Realme तरफ से, बट हमें देखने को मिला नॉर्मल सा बीटा अपडेट। एंड वहीं पे अगर हम थोड़ा सा बात करें स्टेबल अपडेट के बारे में, तो स्टेबल अपडेट आपके डिवाइस में अप्रैल 2021 के मिड तक देखने को मिल जाएगा। जो भी यूजर स्टेबल अपडेट का वेट कर रहे हैं उनके डिवाइस में ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। एंड हालांकि यहाँ पे कुछ यूजर्स के माइंड में ये भी डाउट होता है कि अगर हम अपने डिवाइस में बीटा अपडेट को इंस्टॉल कर लिए तो क्या हमारे डिवाइस में Realme UI 2.0 का स्टेबल अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो भैया ऑफकोर्स अगर आपने अपने डिवाइस में 2.0 का बीटा अपडेट इंस्टॉल किया तो आपके डिवाइस में इन फ्यूचर आगे चल के जब भी 2.0 का स्टेबल अपडेट अवेलेबल होगा देन आपके डिवाइस में 2.0 का बीटा अपडेट से स्टेबल अपडेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा Realme तरफ से। इसके रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड फिर के साथ ही साथ मैं आपको एक और भी सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने डिवाइस में किसी बिजनेस या फिर कोई काम को हैंडल करते हैं तो भैया आपने डिवाइस में 2.0 बीटा अपडेट को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 2.0 बीटा अपडेट में आपको काफ़ी ज़्यादा बग्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड आपके डिवाइस में जो भी बग वगैरह देखने को मिलेंगे आप उसका फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं Realme इंडिया को। उसके लिए आपको जाना होगा अपने फ़ोन के डायलर में एंड फिर आपको टाइप करना है *#800#, एंड उसके बाद आपके डिवाइस में Realme UI 2.0 का फीडबैक पेज ओपन हो जाएगा एंड आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इश्यू देखने को मिल रहे आप उसका फीडबैक डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं Realme इंडिया को। एंड मे बी न्यू अपडेट के साथ में अपकमिंग अपडेट के साथ में उन सभी बग को फिक्स कर दिया जाएगा Realme तरफ से जो भी आपके डिवाइस में देखने को मिल रहे। बट यार इसके ज़्यादा मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। देन दैट फिट एंड बहुत सारा थैंक्स। मे बी आपके डिवाइस में कल दोपहर से पहले पहले 2.0 का बीटा अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा Realme तरफ से। देन दैट फिट एंड बहुत सारा थैंक्स। वीडियो चलिए वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना
मत भूलिएगा।